स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। सिविल साइट नॉलेज लेकर एक सीरीज लेकर आया है कि जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए घर का नक्शा है। ओके, तो 1000 स्क्वायर फीट में ये मैं प्लानिंग किया हूँ, साथ में आपको डिजाइन पोर्शन भी बताऊंगा। अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस सीरीज में जो लेकर आया हूँ ये पार्ट सेकेंड है, इससे पहले एक पार्ट बन गया है कि कैसे लोड कैलकुलेशन करते हैं, लोड कैसे कैलकुलेशन करते हैं। डिजाइन पोर्शन आप सीखेंगे, फुटिंग का डिजाइन कैसे करते हैं, कॉलम का डिजाइन, बीम का डिजाइन और स्लैब का डिजाइन एज पर कोड, कोड के अकॉर्डिंग। साथ साथ में आप सीखेंगे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता था, 1000 स्क्वायर फीट में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, पूरा मटेरियल कैलकुलेशन करके बताया जाएगा। तो आप सिविल साइट नॉलेज से जुड़ें, इसका देखिए ये फुटिंग डिटेल भी मैं बताऊंगा, साथ में इसका सेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सेक्शन है, तो सेक्शन किस प्रकार है इसका डिटेल मैं बताऊंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपको एक कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलेगा कि जो हम जो घर बना रहे हैं तो उसका लोड कैलकुलेशन कैसे, कहीं स्ट्रक्चर फेल तो नहीं हो रहा है, तो लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि जो कॉलम जो हम बना रहे हैं, देखिए फर्स्ट फ्लोर प्लस में सेकंड फ्लोर यानी कि जी प्लस वन, ये मैं प्लानिंग बताने वाला हूं और इसका लोड कैलकुलेशन करेंगे अपन कि जो फुटिंग जो है इस फुटिंग पे कितना लोड आने वाला है, ये फुटिंग बियर कर पाएगा कि नहीं। मिनिमम साइज लेकर मैं चल रहा हूं, तो प्लीज़ सिविल साइट नॉलेज से जुड़ें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले आप प्लानिंग देख लीजिए, इसका मैं प्लान कैसे किया हूँ, फिर इसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट का अगर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करना होता है तो पहले आपको ड्राइंग होना चाहिए। तो मैं ड्राइंग लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही शानदार प्लान है जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए 1000 स्क्वायर फुट में ये प्लान है, आप देख सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट में मैं खुद से प्लानिंग किया हूँ और मिनिमम साइज लेकर चल रहा हूँ कि एज पर कोड, कोड के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में समझेंगे कि डिजाइन ऑफ कॉलम कैसे करते हैं, फुटिंग कैसे करते हैं और ये लोड जी प्लस टू का जो बिल्डिंग है, सॉरी जी प्लस वन का जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं वो लोड बेयर कर पाएगा कि नहीं, कॉलम का साइज क्या सफिशियंट है नहीं, ये पूरा सीखेंगे। ओके, देखिए ये आपका 25 बाई 40 फीट का प्लॉट है, इसका जो लंबाई हो गया आपका, लंबाई देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 40 फीट और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है आपका 25 फुट। ओके, तो 25 बाई 40 फुट में 2 BHK, तो देखिए यहाँ से इंटर करेंगे, ये मेन गेट है, कार पार्किंग में देखिए ये पोर्च एरिया है, कार पार्किंग है यानी कि आपका ये कार पार्क कर सकते हैं और कार पार्क किंग के लिए जो मैं डायमेंशन दिया हूँ देखिए 10 बाई 16 फुट यानी कि आपका ये चौड़ाई हो जाएगा आपका 10 फुट यहाँ से, लंबाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 16 फुट। आप कभी कभी किसी वीडियो में देखते हैं 12-13 फुट देते हैं, तो 12 और 13 फुट लंबाई में कार पार्किंग नहीं हो सकता है, इतना आप ध्यान में रखिए। तो कार पार्किंग के लिए जो स्पेस मैं प्रोवाइड किया हूँ ये आपका 16 बाई 10 का आपका स्पेस है। ओके, तो यहाँ पे इंटर करेंगे कार पार्किंग यहाँ से और साथ में आपका ये देखिए यहाँ पे स्टेयर मैं प्रोवाइड किया हूँ, ये आपका स्टेयर है, यहाँ से स्टेयर मैं प्रोवाइड किया हूँ आप देख रहे हैं, तो ये स्टेयर ऐसे जाएंगे, ये लैंडिंग हो जाएगा, फिर ये स्लैब पे चले जाएंगे, ये कंटिन्यू आप ग्राउंड फ्लोर प्लस में फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से ये हॉल इंटर मैं किया हूँ, यहाँ पे हॉल है, हॉल में हम आएंगे तो हॉल का साइज जो है 13 फुट 4 इंच का हॉल है और साथ में ये कॉर्नर में आपका अलग से डायमेंशन 7 बाई 5 का ये टॉयलेट है, एक कंबाइंड टॉयलेट मैं प्रोवाइड किया हूँ, यहाँ वॉश बेसिन आप बना सकते हैं, क्लियर। प्लस में यहाँ पे देखिए ये किचन मैं प्रोवाइड किया हूँ 10 फुट × 9 फुट 8 इंच, ये बड़ा साइज किचन का है, सफिशियंट है, इस पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे आप देखिए पूरा डिटेल समझेंगे। ओके, किचन का विंडो मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ और ये देखिए बेडरूम, बेडरूम 1 और बेडरूम 2, ये बेडरूम हो गया, तो यानी बेडरूम का जो साइज है 10 बाई 12 और 10 बाई 12 और एक और टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ 4 बाई 6 का, ये देख रहे हैं। ओके, सबका विंडो आप देख लीजिए, इसका विंडो इधर है, इसका विंडो इधर और इसका विंडो इधर है, तो देखिए ये चारों तरफ से अगर ओपन है तो ये आप बना सकते हैं, अगर चारों तीन तरफ से पैक है, एक तरफ से ओके नहीं, मान लीजिए इधर से, तो फिर विंडो में आप बाहर एरिया में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के मैं प्लानिंग किया हूँ, आप देख सकते हैं आउटर वॉल जितने भी हैं, देखिए ये आउटर वॉल ये 8 इंच मैं प्रोवाइड किया हूँ 8 इंच का और इनर जो पार्टीशन वॉल है ये आपका 4 इंच का है, तो इस तरह प्लानिंग है।
ओके यहाँ पे मैं डिटेल दे दिया हूँ, देख रहे हैं आपका आउटर वॉल 8 इंच, इनर वॉल 4 इंच, कॉलम का साइज 9 इंच बाई 9 इंच और D1 D2 यानी दरवाजा का साइज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं मेन गेट, मेन गेट का जो साइज है यहाँ पे देखिए, मेन गेट जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये 9 फुट आपका यहाँ चौड़ाई रहेगा, यहाँ 9 फुट का चौड़ाई रहेगा और 1 फुट आपका 8 फुट यानी कि लिंटर जो डालेंगे गेट का टॉप जो होगा 8 फुट का रहेगा। तो ये डायमेंशन आपको यहाँ पे देखिए, लोड कैलकुलेशन जब कैसे करते हैं इसका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो एज पर कोड, कोड के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जाऊँगा कि फुटिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोड बियर करेगा कि नहीं, पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें और इस सिविल साइट नॉलेज से जुड़ें, क्योंकि ये सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, ये पार्ट सेकेंड है, पार्ट फर्स्ट मैं बता दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट बन गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। ओके ये देखिए इसका फुटिंग जो डिटेल है ये आप देख रहे हैं, F1 जो फुटिंग, मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ, F1 फुटिंग है आपका C1 कॉलम, F1 फुटिंग C1 कॉलम, इसका जो साइज है फुटिंग का 3 बाई 3 फुट का, और जो गहराई करेंगे इसके सेक्शन में देखेंगे 4 फीट डेप्थ तक जाएंगे। और ये देखिए ग्रिड लाइन है, आप देख रहे हैं इसका डायमेंशन भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, ग्रिड ए और ग्रिड बी, इसका जो डायमेंशन है ग्रिड ए से लेकर बी से 10 फुट 4 इंच, बी से लेकर सी तक 4 फुट 8 इंच और सी से लेकर डी तक 9 फुट 4 इंच का डायमेंशन है, ये सेंटर लाइन है। ओके फुटिंग का आपका सेंटर लाइन, कॉलम लेआउट प्लान है, आप देख रहे हैं कॉलम लेआउट प्लान, उसी तरह इधर भी ग्रिड लाइन, ग्रिड ए, ग्रिड 2 3 4 और 5, ये ग्रिड लाइन इधर का, ग्रिड लाइन इधर का। ओके ये फुटिंग लेआउट है, इसका जो डायमेंशन मैं रखा हूँ आप देख रहे हैं 3 बाई 3 का, और इसके बेस डालेंगे। चलिए इसका सेक्शन में देखते हैं और डिटेल, यहाँ पे स्टील भी देख सकते हैं आप, देखिए एज पर कोड, कोड के अकॉर्डिंग मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, और डिजाइन पोर्शन भी डिजाइनिंग भी करेंगे कि ये फेल हो रहा है कि नहीं, ये चेक भी करेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये सीख भी लेंगे कि लोड जो आएगा G+1 का बिल्डिंग जो बनाएंगे उसका जो टोटल लोड आएगा, तो ये फुटिंग अगर 3 बाई 3 फुट दे रहे हैं और 4 फुट जो गड्ढा कर रहे हैं तो ये बियर कर पाएगा कि नहीं, ये सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लोड कैलकुलेट करते हैं और पूरा इस कॉलम पे कितना लोड आएगा ये भी अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके देखिए यहाँ स्टील जो प्रोवाइड किए हैं 10 mm के 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और जो कॉलम में प्रोवाइड करेंगे स्टील, ये देख रहे हैं कॉलम में, ये कॉलम है 9 इंच बाई 9 इंच का और फुटिंग का साइज है 3 फुट बाई 3 फुट का। ओके तो इसमें 4 नंबर 12 का स्टील प्रोवाइड करेंगे, ओके और जो 8 नंबर का स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, रिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर सीखना चाहते हैं डिजाइन पोर्शन तो सिविल साइट नॉलेज से जुड़े। ओके चलिए इसका सेक्शन देखते हैं, ये देखिए सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये सीरीज आया है उस सीरीज में G+1 बनाएंगे, यानी कि आपका ग्राउंड फ्लोर ये हो गया आपका, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ओके तो ये पहला जो स्लैब डालेंगे ये दूसरा स्लैब डालेंगे, ओके तो ये टेरेस से है आपका, ये टेरेस है, पैरापेट वाल है, तो ये पूरा इस साइड में मैं लेवल प्रोवाइड किया हूँ। और जो NGL है आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन में NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड का जो लेवल है उससे कितना डेप्थ में जाएंगे 4 फुट नीचे तक जाएंगे। और PCC करेंगे कितने का, यहाँ पे देख रहे हैं PCC करेंगे, बेस डालेंगे 4 इंच का और ये फुटिंग हो गया। तो ये कैलकुलेट करेंगे जो एज पर कोड के अकॉर्डिंग मैं जो लिया हूँ तो ये बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, फिर अपन अगर बियर नहीं करता है तो इसका डिजाइन चेंज करेंगे, तो पूरा सीखेंगे। ओके तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल से ये प्लिंथ लेवल है, ये प्लिंथ का टॉप लेवल है, ये प्लिंथ लेवल हो गया। इसका फ्लोर फिनिशिंग लेवल आप देख रहे हैं, फ्लोर फिनिशिंग लेवल, तो फ्लोर फिनिशिंग लेवल जहाँ आप टाइल्स लगाते हैं पूरा फिनिशिंग कर देते हैं तो वहाँ ये पर फ्लोर फिनिशिंग लेवल। तो NGL से मैं कितना प्रोवाइड किया हूँ, NGL से आप देख रहे हैं 2 फुट 8 इंच फ्लोर फिनिशिंग का टॉप लेवल है, यानी NGL से। ओके प्लिंथ बीम और फ्लोर फिनिशिंग का बीच का डिस्टेंस कितना है 2 फुट, ये देखिए पूरा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब इसका क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको डायमेंशन बहुत जरूरी है। देखिए स्लैब यानी ग्राउंड फ्लोर से स्लैब का जो टॉप है यानी कि फर्स्ट फ्लोर का लेवल जो देख रहे हैं यहाँ पे 10 फुट है, और देखिए 3 फुट पे ये आपका ये क्या होगा सील लेवल आएगा, सॉरी यहाँ सील लेवल होगा, सील लेवल है 3 फुट पे, ये सील लेवल विंडो का बॉटम और फिर विंडो का टॉप यानी लिंटर लेवल यहाँ पे है 4 फुट पे। उसी तरह फर्स्ट फ्लोर का लेवल ये रिपीट हो जाएगा और 3 फुट का ये टेरेस पे जो पैरापेट वाल होता है ये प्रोवाइड किया गया है। ओके प्लस में देखिए जो स्टेयर जाता है, देखिए यहाँ पे स्टेयर जैसा कि आप प्लान देखे हैं ऊपर गए तो स्टेयर है आपका
तो ये 8 फुट इसका टॉप रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 8 फुट ये टॉप रहेगा। इसके कवर डालते हैं तो पूरा लोड कैलकुलेट करेंगे। इस ये जो दो कॉलम है इस पे थोड़ा लोड ज़्यादा आएगा क्योंकि एक स्लैब ज़्यादा डल रहा है इस एरिया में, स्टेयर पोर्शन में। तो ये पूरा लोड कैलकुलेशन सीखेंगे। अगर आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको ये मालूम चलेगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सीरीज जल्द ही आने वाला है, पार्ट 3, और पार्ट 1 आप जरूर जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये आएगा कि कैसे लोड कैलकुलेशन करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।